नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि मार्केट में जो काले धब्बे वाला प्याज बिका करता है, क्या वो हमारे शरीर के लिए सेफ है? हेल्थ इशू तो कोई नहीं बन जाता, तो क्या उसे हम अपनी कुकिंग में, अपनी किचन में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्याज जो है कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे जो भोजन है वो बहुत स्वादिष्ट बन जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और इसलिए ख़ास तौर पे हर पूरे वर्ल्ड में प्याज का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो उस पर काले धब्बे लगे हुए होते हैं, उसमें से वो क्यों बन जाते हैं कि देखिए, प्याज जो होता है ज़मीन में उगता है, नीचे ज़मीन के नीचे उगता है, और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट गीलापन होता है, नमी होती है, और उस नमी में एक फंगस ग्रो कर जाती है जिसे एस्पर्जिलस नाइगर कहते हैं। तो वो क्या करती है, बरसात के दिनों में ख़ास तौर पर वो फंगस प्याज में लग जाती है, प्याज में नहीं लहसुन में भी लग जाती है और मूली में भी लग जाया करती है। तो ये जो काला काला जो निशान होता है, ये एक टॉक्सिन्स निकालता है जो कि शरीर के लिए नुकसान अक्सर लोगों में नहीं होता, लेकिन तब भी ऐसे देखा गया है कि कुछ लोगों में वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, उससे एलर्जी हो सकती है, और ख़ास तौर पे जिन्हें दमे का रोग है उनके लिए तो बहुत वो हानिकारक हुआ करता है। तो ऐसा प्याज अगर आप खरीदते भी हैं, क्योंकि ये मार्केट में सस्ता मिलता है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि पहली बात उस ऊपर की लेयर को अच्छी तरह उतार दीजिए, और उसके बाद जो अंदर की लेयर आती है, स्किन आती है, उस पर भी कभी कभी काली धारियां जो हैं उस फंगस की दिखाई देती हैं, तो वो लेयर भी आप धोइए नहीं, उसको भी पूरा उतार दीजिए। और उसके उतारने के बाद आप अपने चाकू को पहले अच्छी तरह धो लीजिए, फिर जो अंदर से साफ सुथरी जो प्याज की लेयर निकल आती है उसको भी बहुत अच्छी तरह धोकर साफ़ कर फिर उसका आप इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगी, फूड पॉइजनिंग होने का डर नहीं रहेगा, ये जो फंगस है वो उसके स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके शरीर में नहीं जाएंगे, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स या एलर्जी होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि पता नहीं लगता कि कब किस शरीर में एज में वो जो फंगस है आपके शरीर में नुकसान दे सकती है, एलर्जी कर सकती है, दमा कर सकती है। ऐसा भी देखा जाता है कि लोग प्याज को काट कर या साबुत प्याज ही फ्रिज में रख देते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में, जिससे कि वो प्याज गले नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो प्याज में दाग लगे हुए हैं उसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि उसमें से स्पॉट्स जो हैं उड़ते रहते हैं, और वो आपके फ्रिज में जितने भी आइटम रखे हुए हैं, फूड आर्टिकल्स रखे हुए हैं, उसमें जाके वो उसको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, वो भी सामान आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे प्याज को फ्रिज में ना रखें, उसे बाहर निकाल के रखें, जिससे कि आपको शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्याज खाने से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी चर्चा करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।